नमस्कार दोस्तों, जीके चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रानी पद्मिनी का इतिहास। अप्रतिम सौंदर्य की धनी रानी पद्मिनी के होने को लेकर प्रायः कुछ विवाद रहता है। कुछ लोग उसके होने को सही मानते हैं, जबकि कुछ मात्र कल्पना। ऐसा होने का मुख्य कारण यह है कि अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के समकालीन आमिर खुसरो ने अपनी रचनाओं में पद्मिनी का कहीं वर्णन नहीं किया है। रानी पद्मिनी का सर्वप्रथम वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत में मिलता है, जो कि घटना के लगभग 240 वर्ष बाद का ग्रंथ है। साथ ही राजस्थान की प्रचलित लोक मान्यताओं व गीतों में भी पद्मिनी का जिक्र मिलता है। यहाँ तक कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बने एक मंदिर में पद्मावती यानी पद्मिनी की प्रतिमा स्थापित है। मान्यता है कि रानी पद्मिनी सुंदरता की साक्षात देवी थी। रानी के रूप के बारे में वर्णन तो यहाँ तक मिलता है कि वो पानी पीती थी तो उनके गले से पानी नीचे जाता हुआ दिखता था। आइए जानते हैं रानी पद्मिनी का इतिहास। रानी पद्मिनी के पिता का नाम गंधर्व सेन और माता का नाम चंपावती था। रानी पद्मिनी के पिता गंधर्व सेन सिंघल प्रांत के राजा थे। उनका विवाह चित्तौड़ के राजपूत राजा रावल रतन सिंह से हुआ था। कहा जाता है कि रावल रतन सिंह जी पहले से विवाहित थे, उनके बाद उनका विवाह पद्मिनी से हुआ। रानी पद्मिनी की खूबसूरती की चर्चा उस समय हर ओर थी। मान्यताओं के अनुसार राजा के एक गद्दार ने खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के सामने रानी की सुंदरता की बहुत प्रशंसा की। खिलजी ये सब सुनकर रानी को देखने के लिए बेसब्र हुआ। उसने चित्तौड़ के किले पर हमला कर दिया। समझौते के लिए उसने रतन सिंह जी के सामने शर्त रखी कि रानी पद्मिनी को अपनी बहन समान मानता है और उनसे मिलना चाहता है। सुल्तान की बात सुनते ही रतन सिंह ने उसके रोष से बचने और अपना राज्य बचाने के लिए उसकी बात से सहमत हो गया। रानी पद्मिनी अलाउद्दीन को आईने में अपना चेहरा दिखाने के लिए राजी हो गई। जब अलाउद्दीन को ये खबर पता चली तो वो बहुत खुश हुआ और उसके अंदर रानी को अपना बनाने की चाह जाग गई। रानी पद्मिनी को देखने के बाद खिलजी ने राजा रतन सिंह के सामने समझौते का ढोंग रचाया और छल से रतन सिंह को बंदी बना लिया और पद्मिनी की मांग करने लगा। चौहान राजपूत सेनापति गोरा और बादल ने सुल्तान को हराने के लिए एक चाल चलते हुए खिलजी को संदेश भेजा कि अगली सुबह पद्मिनी को सुल्तान को सौंप दिया जाएगा। तब अगले दिन सुबह 150 पालकियां किले से खिलजी के शिविर की तरफ रवाना हुई। पालकियां वहां रुक गईं जहां पर रतन सिंह को बंदी बना रखा था। पालकियों को देखकर रतन सिंह ने सोचा कि ये पालकियां किले से आई हैं और उनके साथ रानी भी यहाँ आई होंगी। वो अपने आप को बहुत अपमानित समझने लगा। उन पालकियों में ना ही उनकी रानी और ना ही दासियां थी, और अचानक से उसमें से पूरी तरह से सशस्त्र सैनिक निकले और रतन सिंह को छुड़ा लिया और खिलजी के अस्तबल से घोड़े चुरा कर तेजी से घोड़ों पर से किले की ओर भाग गए। गोरा इस मुठभेड़ में बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, जबकि बादल ने रतन सिंह को सुरक्षित किले में पहुंचा दिया। सुल्तान ने गुस्से में आकर अपनी सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। सेना ने किले में प्रवेश करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब खिलजी ने किले को घेराबंदी करने का निश्चय किया। ये घेराबंदी इतनी कड़ी थी कि किले में खाद्य पूर्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। अंत में रतन सिंह ने द्वार खोलने का आदेश दिया और उसके सैनिक से लड़ते हुए रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गया। यह सूचना सुनकर
पद्मिनी ने सोचा कि अब सुल्तान की सेना चित्तौड़ के सभी पुरुषों को मार देगी। अब चित्तौड़ की औरतों के पास दो विकल्प थे, या तो वो जौहर के लिए प्रतिबद्ध हो या विजयी सेना के समक्ष अपना अपमान करवाए। उन्होंने एक विशाल चिता जलाई और चित्तौड़ की सारी औरतें उसमें कूद गईं और इस प्रकार दुश्मन बाहर खड़े देखते रह गए। अपनी महिलाओं की मौत पर चित्तौड़ के पुरुष के पास जीवन में कुछ भी नहीं बचा था। चित्तौड़ के सभी पुरुषों ने केसरी वस्त्र और पगड़ी पहनकर दुश्मन सेना से तब तक लड़े जब तक कि वो सभी खत्म नहीं हो गए। विजयी सेना ने जब किले में प्रवेश किया तो उनका राख और जली हड्डियों के साथ सामना हुआ। जिन महिलाओं ने जौहर किया उनकी याद आज भी लोक गीतों में जीवित है, जिसमें उनके गौरवान्वित कार्य का बखान किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।